हुंडी कुछ नहीं है, कुछ एक टर्म्स है, बस हमको जानना है इसमें, और कुछ है नहीं, सिर्फ कुछ टर्म्स है। जैसे कि हम लोगों ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब शुरू किया था तभी आपको बताया था कि नॉर्मली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो हम डिस्कस करते हैं उसमें प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स को रखा गया है, लेकिन वो तभी क्लियर करता है कि हमने एक्सक्लूड भी नहीं किया है, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट अगर है जो निगोशिएबिलिटी को फुलफिल कर रहा है तो इट इज नॉट गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है ना? ठीक है। उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, बिसाइड्स शेयर्स, वारंट्स, डिबेंचर, उसी तरीके का एग्जाम्पल है हुंडी, जो लोकल रूरल एरियाज में बिजनेस के पर्पज से लोग लेन देन करते हैं, तो वो अब बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट वगैरह नहीं देते, गांव घर में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक हुंडी है, वो भी एक, ये भी रिटन फॉर्मेट में ही होता है, हुंडी भी बिना रिटन फॉर्मेट में नहीं होगा, लेकिन एक कस्टम एंड यूजेस के रूप में भी चलता आ रहा है, ट्रेड एंड कस्टम के रूप में, तो इसको लोग यूज करते हैं। हुंडी क्या होता है? संस्कृत वर्ड हुंड से इसको डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है ना, गैदर करना या कलेक्ट करना। ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के जैसा ही ड्राफ्ट किया जाता है। तो और ये अगर ये इजिली ट्रांसफरेबल है, अनकंडीशनल है, तो ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ 1881 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसको नहीं डिस्कस किया गया है। एनी डॉक्यूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज निगोशिएबल, विच इज अनकंडीशनल, विच इज रिटन, तो उसको हम रख सकते हैं, बट वो ऑप्शनल, ठीक है ना, इफ इट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। सिर्फ कस्टम एंड यूसेस के आधार पे कुछ भी आप ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं तो उसको नहीं रखेंगे यहाँ पे। तो हुंडी उसका एक एग्जांपल है। अब आते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज आर देयर। सबसे पहले दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी का मतलब होता है दर्शन, दर्शन मतलब साइट, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग ऑन साइट में देखे थे प्रॉमिसरी नोट और बिल्स के केस में, दर्शनी हुंडी इज ऑलवेज पेएबल ऑन साइट, ठीक है ना। इसको जो प्रेजेंट करे, सो इट इज समहाउ, इट इज लाइक ऑन साइट पेमेंट होता है। दर्शनी हुंडी का पहले पेमेंट से पहले उसको प्रेजेंट करना जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर ये हुंडी, इफ देयर इज एनी लॉस कॉज्ड बाय द ड्रॉअर, अगर ये हुंडी खो जाता है, ठीक है ना, तो जो इसका नुकसान है वो जो डिफॉल्टर है, जिससे गलती होती है, उसके ऊपर ये इसका नुकसान आता है, ठीक है। दर्शनी हुंडी याद रखो, ऑन साइट पेमेंट इसका मिलता है। अब दूसरा है मुद्दती हुंडी। मुद्दत मीन्स पीरियड, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसका पेमेंट सर्टेन पीरियड के बाद होना है, ठीक है ना, पीरियड इज फिक्स। उसके ही अंदर मुद्दती हुंडी के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें एक एक करके देखते हैं हम। सहयोग हुंडी नाम है इसका। सहयोग हुंडी में जो भी बेयरर नेचर होता है इंस्ट्रूमेंट का, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो पेमेंट ले सकता है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज बेयरर, वन हु होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट कैन रिसीव द पेमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें ड्रॉअर एंड ड्रॉई या फिर सेलर एंड बायर के बीच में एक शाह होता है, जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना, अदरवाइज आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, इसीलिए इसको सहयोग हुंडी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है नाम जोग हुंडी। जैसे हम लोगों ने चेक के टाइम पढ़ा था ना, बेयरर, ओपन चेक के अंदर एक बेयरर चेक और एक ऑर्डर चेक। सिमिलरली नाम जोग हुंडी क्या हो गया? बेयरर चेक हो गया, जिसका सॉरी बेयरर चेक नहीं हो गया, ये ऑर्डर चेक का एक एग्जांपल हुआ, समझ लो तुम हुंडी के रूप में। नाम जोग हुंडी, जिसका नाम मेंशन है उसको पेमेंट करो। ऑर्डर चेक में यही था ना कि जिसका नाम है उसका आप एक बार आइडेंटिफिकेशन ले लीजिए, पैन कार्ड या आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर के, एक बार जब प्रूव हो जाता है, जब बैंकर्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तो पेमेंट कर देते हैं। सिमिलरली जिसका नाम है आप एक बार सेटिस्फाई कर लीजिए कि ये वही आदमी है और फिर आप उसको पेमेंट कर दीजिए। इट बियर्स नेम ऑफ होल्डर, ठीक है ना, जिसको भी आपको पे करना है, उसके अलावा किसी और को पे नहीं करेंगे, तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की तरह है। नेक्स्ट है फिरमान जोग हुंडी। ये भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की तरह है, लेकिन ये इजिली ट्रांसफरेबल है, ठीक है। जैसे नाम जोग हुंडी कैन बी इंडोर्स्ड एंड डिलीवर्ड, फिरमान जोग हुंडी भी, इसको भी इंडोर्समेंट के बाद आप उसको फर्दर डिलीवर कर सकते हैं, आगे किसी को इंडोर्स कर सकते हैं। ये भी पेबल ऑन ऑर्डर ही है, ठीक है। जवाबी हुंडी, जवाबी मीन्स रिप्लाई, ठीक है। अब जवाबी हुंडी कैसे है, ये रेमिटेंस के केस में यूज किया जाता है। जैसे आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे हम लोग देखते हैं मनी ऑर्डर से भी पैसा आता है कहीं से, तो मनी ऑर्डर इज नॉट कमिंग अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं लाते हैं। लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, लेकिन हम फिर उसको फर्दर इंडोर्स नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन जवाबी हुंडी क्या है कि यू गिव एक्नॉलेजमेंट दैट आई रिसीव द पेमेंट। तो जो रिप्लाई करते हैं ना कि आपको अगर अमाउंट मिल गया, आपको भेजा गया, कहीं से रेमिट किया गया मनी, ठीक है ना, रेमिटेंस हुआ आपके अकाउंट में या आपको भेजा गया, एंड देन यू गिव रिप्लाई थ्रू जवाबी हुंडी कि आई रिसीव द अमाउंट, या आप जब एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि आपको पैसा मिल गया है, उसके बाद जो आप हुंडी, उसको मान लीजिए कि हमारे और तोशी के बीच में ट्रांजेक्शन्स हुआ, ठीक है ना, और तोशी को पैसा मिल गया, कोई थर्ड पार्टी के हाथ से मैंने पैसा भेजा और तोसी को मिल गया, तो तोसी एक एक्नॉलेजमेंट बना करके उस थर्ड पार्टी को दे देगी और थर्ड पार्टी आके मुझे वो दे देगा। दैट बिकम्स जवाबी हुंडी कि देखिए आपने जिसको डिलीवर करने बोला था पैसा, मैंने उनको पे कर दिया, ठीक है, इसको हम जवाबी हुंडी बोलेंगे। अच्छा, धानी जो हुंडी क्या है, ये है धानी मीन्स अ होल्डर और ए ओनर, ठीक है ना, तो इट इज अ हुंडी विच इज पेएबल टू द होल्डर, यानी कि ये भी एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हमने शुरू में देखा है, ठीक है ना, कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट है और जिस आपको इजिली आप सिर्फ डिलीवर कर दीजिए, यानी कि अगर मेरे पास है तो मैं उसको निकाल सकती हूँ, मैंने तोशी को दे दिया, तो तोशी सिर्फ बाय मेयर डिलीवरी इट बिकम्स ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। अब जोखमी हुंडी, जोखमी हुंडी सबके नाम से तुम्हें समझ में आ जाएगा, मोस्ट ऑफ दिस टर्म्स वी नो द मीनिंग। तो जोखमी क्या, जोखम यानी रिस्क, सो देयर इज अ रिस्क इन दिस टाइप ऑफ हुंडी। व्हाट इज द रिस्क? The risk is when certain, it depends, the payment is depends upon the happening of certain event. होता है तब आपको पे करना है, नहीं तो आपको पे नहीं करना है। तो ये जो एक रिस्क है ना, होने और नहीं होने पे पेमेंट करने का, वो रिस्क थोड़ा रिस्की होता है। तो आप इस तरह के हुंडी को क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट इट डिस्काउंटेड थ्रू इंश्योरर, बीच में किसी इंश्योरर को आप इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं, और अगर वो पेमेंट वो होता है वो इवेंट, तो वो क्या करेगा, अपना इंश्योरेंस फी या चार्जेस काट करके आपको बैलेंस का अमाउंट पे कर देगा। तो इस तरह के जोखमी हुंडी को हम इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। और निशान जो हुंडी, निशान जो हुंडी इज अगेन अ बेयरर काइंड ऑफ हुंडी, जो जिसके पास है आप उसको पे कर दीजिए, लेकिन निशान जो हुंडी में निशान टर्म लिखा रहेगा, निशान जो टर्म इज रिटन इन वर्ड्स, ठीक है ना, उस हुंडी के ऊपर लिखा रहेगा, और देन इट इज पेबल ओनली टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स इट, ठीक है। हो गया ये सारा हुंडी का टाइप्स। अब आते हैं, कुछ और भी है जिसको हम देख लेते हैं इसके अंदर, कुछ अलाइड टर्म्स, मतलब इसके साथ, इसके जैसा, नॉट हुंडी बट द टर्म इज नोन एज समथिंग एल्स, लेकिन उसको खोखा बोलते हैं। खोखा मीन्स एम्प्टी, खाली। तो वैसे हुंडी जिस जो डिस्चार्ज हो चुका है, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर जो भी पार्टीज को पे बैक पे देना था या लेना था वो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो उसको हम बोलेंगे खोखा। खोखा मींस एम्प्टी, बेयर। पुर्जा, पुर्जा यानी कुछ ज्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक रिटन रिक्वेस्ट, ठीक है ना, किसी को अगर कुछ चाहिए किसी से, तो ही सेंड्स अ रिटन रिक्वेस्ट टू बोरो सर्टेन अमाउंट, जो उसमें मेंशन होता है, और वही जो पुर्जा है, वही जो डॉक्यूमेंट है, वो पुर्जा के नाम से कहलाता है, ठीक है। एक होता है जिक्री चिट। जिक्री चिट मतलब कैसे होता है, जैसे बिल्स के केस में हमने कहा था ना कि जब बिल्स डिसऑनर्ड हो जाती है, तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड या एक्सेप्टर ऑफ ऑनर आकर के उसको ऑनर कर सकता है ना। जिक्री चिट इज आल्सो लाइक दैट, कि अगर पेमेंट आपको नहीं मिल रहा उस समय, कोई ड्रॉ इन केस, अगर कोई सेकंड ड्रॉई है जो ऑल्टरनेट किसी का नाम दिया गया उस हुंडी पे जो पेमेंट कर सकता है, तो या तो वो उसको ऑनर करेगा, या फिर एक्सेप्टर फॉर ऑनर के लिए ये वाला जो हुंडी है वो जा सकता है, ठीक है। यस मैम, एक सेकेंड, हाँ, ओके, ठीक है, क्योंकि ऐसा फिर से हो चुका मेरे साथ एक दो बार, मैं भूल जाती हूँ। पेट, ठीक है ना, पेट पे आते हैं। पेट क्या होता है? पेट इज काइंड ऑफ ओरिजिनल हुंडी, अगर आपका खो जाता है तो आप एक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ हुंडी कहीं से ले सकते हैं, ठीक है ना, जहां भी होता है आप डुप्लीकेट कॉपी इशू करवा सकते हैं। उस डुप्लीकेट कॉपी को पेट बोलते हैं। और अगर पेट भी खो गया यानी कि वो डुप्लीकेट कॉपी भी खो जाता है तो आप दूसरा सेकंड डुप्लीकेट कॉपी भी निकलवा सकते हैं जिसको हम पर पेट बोलते हैं। ठीक है, हो गया हुंडी खत्म 15 मिनट में, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं बैंकर एंड कस्टमर पे। ठीक है, बैंकर एंड कस्टमर इंपॉर्टेंट पार्ट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि नॉर्मली जो हमने चेक्स पढ़ा उसमें कस्टमर एंड बैंकर का रोल बहुत ज्यादा है। तो ये जो बैंकर होते हैं वो उसका क्या क्या रिलेशन होता है कस्टमर्स के साथ, ये देखना पड़ेगा। पहले बैंक क्या है? क्या है बैंक? आप लोगों में से कोई बताइए। मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो अपने लैंग्वेज में जो अपनी समझ के हिसाब से, चलो मैंने कवर कर दिया। कोई भी बोल सकता है। मैम ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट लेता है। बिल्कुल सही। और ताकि वो किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सके या बोरो कर सके वहां से। ठीक है, बिल्कुल सही। ये एक इंस्टीट्यूट है अपने आप में, ये एक आपको एक सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और जहां से आप पेमेंट ले सकते हैं, है ना, जहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बैंक इज इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक से पैसे डिपॉजिट कराता है और वो पैसे अपने अपने जरूरत के हिसाब से ऑन डिमांड, इसीलिए हमने कहा था ना चेक्स इज पेबल ऑन डिमांड, है ना, जब भी हम डिमांड करेंगे वो आपको वो पैसा आपके अकाउंट में या फिर आपके हाथ में, जैसे भी आप चाहेंगे आप ये पैसे बैंक से ले सकते हैं। ठीक है ना, तो बैंक आपके पैसों को रखने के लिए और भी बहुत सारे रोल्स, उसके ट्रस्टी का काम करता है, आपके लिए एजेंट का काम करता है क्योंकि आपके ऑर्डर पे वो किसी और को भी पे करता है। ठीक है ना, तो ये आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है। अब कस्टमर क्या है? कस्टमर किसको बोलेंगे? कोई भी आदमी जाता है बैंक में और ट्रांजेक्शन करता है। सपोज करो, एक सेकेंड, ठीक है, अभिषेक इज इन द क्लास नाउ। मैं देख रही हूँ जिसका भी आ रहा है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है ना, ओके। तो एक कस्टमर कौन होता है? कस्टमर जो बैंक में जिसका अकाउंट हो और वो रेगुलरली उससे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करता हो। ये अकाउंट सेविंग नेचर का हो सकता है, करंट अकाउंट के नेचर का हो सकता है, बिजनेस पर्पस से जो खोला गया है, लेकिन उसमें कुछ रेगुलर ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, वही कस्टमर कहलाएगा। सिंपली आप कभी बैंकर्स चेक बनाने के लिए किसी बैंक में चले गए, बैंकर्स चेक क्या कहते हैं? बैंकर्स चेक को नॉर्मली हम लोग किस वर्ड से जानते हैं? बैंकर्स चेक को क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में? मैम डिमांड ड्राफ्ट। वेरी गुड, डीडी। तो कभी किसी अकाउंट बैंक में चले गए, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया, कभी किसी हमने आपको कोई चेक दिया, आप जाकर के उसको इन कैश करा लिया, बस इतने से काम से आप उस बैंक के कस्टमर नहीं बन जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी बैंक में जा सकते हो ना, जिस बैंक का आपको चेक मिला है वहां से इन कैश करा सकते हो। तो इतने से आप कस्टमर नहीं बन जाते हो। कस्टमर बनाने के लिए या बनने के लिए आपका उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है और अकाउंट होने के साथ साथ रेगुलर एक ट्रांजेक्शन होना, जमा डिपॉजिट और उसको निकालना, ये भी जरूरी है क्योंकि बहुत बार हम अकाउंट खोल करके सो जाते हैं और साल भर के बाद वो अकाउंट डॉर्मेंट अकाउंट हो जाता है, इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है। वापस उसको एक्टिवेट कराने के लिए हमको कुछ पैसे जमा करके उसमें, मतलब पैसे जमा करके, मतलब ऐसे नहीं कि आपने डिपॉजिट कर दिया वो एक्टिवेट हो गया, उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको, उस समय बहुत पहले की बात है, तब 100 रुपीज ही था, अब मुझे पता नहीं कितना हो गया होगा, एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है, 100 रुपीज देना पड़ता है, उसके बाद उसको एक्टिवेट किया जाता है एंड देन आप उसमें कुछ डिपॉजिट करिए और कुछ विड्रॉ करिए, फिर जाके वो आपका एक्टिवेट होता है। तो आपका अगर अकाउंट डॉर्मेंट हो गया है तो भी आप उस बैंक के कस्टमर अभी एग्जिस्टिंग नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि कस्टमर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होना चाहिए। मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया है, एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ओपनिंग एन अकाउंट विद द बैंकर, यानी उस बैंक के साथ आपका किसी भी नेचर का एक अकाउंट होना चाहिए, करेंट नेचर का या फिर सेविंग अकाउंट नेचर का, जिसमें आप डिपॉजिट करते हो, जिससे आप विड्रॉ करते हो। एंटिसिपेशन ऑफ रेगुलर डीलिंग्स या ट्रांजेक्शन्स, यानी इट शुड बी एंटिसिपेटेड कि आपने बैंक अकाउंट खोला है तो आप इसमें रेगुलर बेसिस पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ करते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट है डीलिंग टू बी ए डीलिंग इज शुड बी लाइक बैंकर्स नेचर, यानी जो अभी मैंने बताया कि सिर्फ डीडी बनाना है या ओकेजनली आपने गया और किसी चेक को इन कैश करा दिया, तो वो आपको कस्टमर नहीं बनाता। जो नेचर है वो बैंकिंग नेचर का ट्रांजैक्शंस होना चाहिए। बैंकिंग नेचर का यानी लोन लेना, उस अपने अमाउंट को निकाल, अपने पैसे को विड्रॉ करना, उसमें डिपॉजिट करना, उसमें फिक्स डिपॉजिट करना, रेकरिंग अकाउंट खुलवाना, ये सब बैंकिंग नेचर का काम हुआ, ठीक है। ओके, अब रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड हिज कस्टमर, बैंक और कस्टमर के बीच में कैसे कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं। पहले मैंने बताया ट्रस्टी का होता है, एजेंट का होता है, डेटर एंड क्रेडिटर का होता है। तो शुरू करते हैं एक लाइन से, सबसे पहले डेटर एंड क्रेडिटर से। बैंक के केस में एंड कस्टमर के केस में कौन डेटर है एंड कौन क्रेडिटर है, बताओ। मैं भी छुपा देती हूँ, अपने सोच के बताइए, कॉमन सेंस। हम बैंक क्रेडिटर है, बैंक क्रेडिटर है और कस्टमर डेटर। डेटर किसको बोलते हैं मैम? अगर हम लोन ले रहे हैं तो करेक्ट, अब सोचिए तुम सही हो, तो हम डेटर है और बैंक क्रेडिटर है। और नहीं तो दिस डिपेंड्स। अगर हम अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑन द ओपनिंग ऑफ अकाउंट द बैंकर अज्यूम्स द पोजिशन ऑफ डेटर, तो वो हमसे पैसे ले रहा है ना, उसके पास पैसे जा रहे हैं और हम तो उसको दे रहे हैं। जब भी आपके अकाउंट में पैसा आता है द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, है ना। तो हमारे इस केस में जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक का जो पोजीशन होता है वो डेटर का हो जाता है, यानी कि इट्स अ वाइस वर्सा, चेंज होने वाला ये रिलेशन है, कभी हम डेटर कभी वो डेटर, कभी हम क्रेडिटर कभी बैंक क्रेडिटर, ठीक है ना। तो जब हम बैंक को पैसे देते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं या अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, तो बैंक बिकम्स डेटर, है ना। अ डिपॉजिटर रिमेन्स अ क्रेडिटर, यानी कस्टमर एक क्रेडिटर के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम ओवरड्राफ्ट कर लिए, हम पैसा ले लिए या हमने लोन ले लिया बैंक से, देन वी बिकम क्रेडिटर एंड द बैंक बिकम डेटर, ठीक है ना। नहीं सॉरी, हम हो जाते हैं डेटर और बैंक हो जाता है क्रेडिटर, राइट, ओके। तो ये बैंकर बिकम्स ए क्रेडिटर ऑफ द कंज्यूमर who has taken a loan from the bank or continues to the capacity till the loan is repaid. जब तक आप अपना लोन रीपे नहीं कर देते हैं तब तक आप क्या रहेंगे, क्रेडिटर रहेंगे। बैंकर क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा, और आप क्या रहेंगे, लोनी या डेटर, ठीक है, क्लियर। तो ये रिलेशनशिप चेंज होते रहता है। नेक्स्ट, बैंकर एज ट्रस्टी, ठीक है ना। ऑर्डिनरली बैंक क्या होता है, ट्रस्टी के रूप में। ट्रस्टी का काम क्या होता है, टेक केयर ऑफ द असेट्स, है ना, जो भी है उसके असेट्स का टेक केयर करना। तो ये ट्रस्टी के रूप में भी बैंक काम करता है। डेटर ऑफ हिज कस्टमर होता ही है। He acts as trustee also. How come? A trustee holds money or assets. हम उसके पास अपनी संपत्ति, अपने लैंड का या अपने असेट्स का डॉक्यूमेंट जमा करते, कई बार करते हैं ना प्लेज बैंक को, वो सारी चीजें, या फिर अपना ऑर्नामेंट्स वगैरह उनके लॉकर में रखते हैं, तो उस समय वो क्या हो जाता है, वो हमारे लिए ट्रस्टी हो जाता है, जो हमारे असेट्स का, हमारे डॉक्यूमेंट्स का और हमारे पैसे का, डिपॉजिटेड मनी का सुरक्षा करना उसका काम होता है, ठीक है ना। तो दैट टाइम द बैंक बिकम्स ट्रस्टी, है ना, ठीक है। अब बैंकर एज एन एजेंट, बैंकर एजेंट कब हो जाता है, व्हेन वी डायरेक्ट्स बैंक टू गिव मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू समबडी एल्स, है ना, तब वो एज एन एजेंट काम करता है। या फिर हम बोलते हैं कि भाई हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तुम लोगों ने वर्ड एक सुना होगा, जब बहुत पैसा होता है हमारे पास तो हम बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स के पास या जो मैनेजर्स होते हैं उनके बड़े बड़े उनके पास जाते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो वो हमको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताते हैं। उस समय वो क्या करते हैं, हमारे लिए हमारे पैसे को जहां वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा वहां लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, बहुत तरीके का उनका प्रोडक्ट्स है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को पर्पस की उस पैसे को कैसे हम बढ़ा सके, कैसे इंक्रीज कर सके, जिससे बैंक को भी फायदा हो और कस्टमर को भी अच्छा इंटरेस्ट मिले, है ना। तो दैट टाइम द बैंक बिकम्स एजेंट, ठीक है, हमारी सुविधा के लिए हमारे फेवर में काम करती है। अब लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक, ठीक है ना, ये सब तो हमने देख लिया। बैंक की लायबिलिटीज क्या क्या है और हमको दोनों जी पढ़ना, बैंक्स के राइट क्या क्या है, यानी वो क्या क्या कर सकता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। फर्स्ट है लायबिलिटी टू ऑनर कस्टमर्स चेक। पहला क्या है, कस्टमर के चेक को ऑनर करना, उसकी पहली जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 अ बैंकर इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू ऑनर हिज कस्टमर्स चेक, यानी कि उसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि अगर मैंने कोई चेक इशू किया है तुलसी के नाम से, अक्षय के नाम से या सुवांगी के नाम से, तो वो उसको प्रेजेंटमेंट के बाद ऑन डिमांड पे कर, है ना। अगर वो रॉन्गफुल डिसऑनर करता है, यानी कि सब कुछ सही है, डेट सही है, म्यूटिलेटेड चेक नहीं है, प्री डेटेड चेक नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ सही है जिस तरह से होना चाहिए उस तरीके से, तो भी अगर वो डिसऑनर्ड हो गया तो बैंकर विल बी लायबल टू मेक गुड द लॉस टू हिज कस्टमर, यानी जो कस्टमर का नुकसान होता है। मेक द गुड, मैंने बताया था ना, मेक द गुड ऑफ द लॉस का क्या मतलब होता है, नुकसान की भरपाई करना, कंपनसेट करना, इंडेमनिटी में हमने ये पढ़ा था, है ना। तो फिर ये बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि जो भी नुकसान हुआ है कस्टमर का आप उसकी भरपाई करें। बट रॉन्गफुल डिसऑनर के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, ठीक है ना। रॉन्गफुल डिसऑनर कब हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो डिसऑनर कर सकता है इफ द चेक इज म्यूटिलेटेड, इफ द चेक सिग्नेचर डजंट मैच, है ना। तो वो, या फिर अगर उसको डाउट होता है कि कुछ ऑल्ट्रेशन, कुछ मटेरियल ऑल्ट्रेशन किया गया है चेक के ऊपर, तो भी वो डिसऑनर कर सकता है और उसको हम डिसऑनर नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रहा है, कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। ये तो 5000 का चेक इशू किया था, किसी ने 50,000 का बना के ले लिया, राइट। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने कस्टमर के को प्रोटेक्ट करने के लिए इसीलिए वो ये नहीं दे रहा पेमेंट, तो वो डिसऑनर नहीं कहलाएगा। रॉन्गफुल डिसऑनर के लिए कुछ चीजें हैं जिसका फुलफिल होना जरूरी है, लाइक कस्टमर शुड मेक अ डिमांड। सबसे पहले तो कस्टमर को बैंकर से डिमांड करना चाहिए, ठीक है ना। आप, मैंने जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, तुम जाओगे ही नहीं बैंक और बोलोगे बैंक पैसे नहीं दे रही, तो ये नहीं होगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रेजेंट द चेक बिफोर बैंक, है ना, फिर वो आपको पेमेंट करेगी। द डिमांड शुड बी मेड इन प्रॉपर मैनर। अगर जो डिमांड है वो प्रॉपर मैनर में, यानी रीजनेबल टाइम में, सही तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो अकाउंट पे ही चेक है तो उसके नीचे एक स्लिप लगा करके जिस भी अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना, उसके नीचे नाम, नंबर, अकाउंट का डिटेल, ये सब कुछ होना चाहिए सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड इजली। अगर ये सारे कंडीशंस है तब नहीं हमने दिया तो रॉन्गफुल डिसऑनर हो गया। देयर शुड बी एनफ बैलेंस, यानी कि अगर मैंने इशू किया है वो चेक लेकिन मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तब वो कुछ नहीं कर सकता, तब वो पे नहीं करेगा। तो अगर एनफ बैलेंस है कि पेमेंट किया जा सकता है और अगर तो भी बैंक ने नहीं दिया तो फिर वो रॉन्गफुल डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। एंड देयर शुड नॉट बी एनी लीगल हर्डल इन पेमेंट, यानी कि हमने पढ़ा था ना कि कभी कभी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है तो स्टॉप पेमेंट या फिर ऐसे होते, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक ऑर्डर भेजता है बैंक को कि आप इस अकाउंट को सील कर दीजिए, ठीक है ना, ये पेमेंट नहीं दीजिए क्योंकि रेंटर पे नहीं कर रहा, मान लो लैंडलॉर्ड को, तो वो सेटलमेंट करवाना है ना। हमने पढ़ा था इसके अंदर, अभी फिर से वापस में पढ़ू बताऊंगी आपको। या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में मेंटेनेंस देने का प्रॉमिस है लेकिन नहीं दे रहा हस्बैंड, ठीक है ना, तो फिर ऐसे केसेस में कोर्ट रोक लगा लेती है। तो ऐसा कोई लीगल हर्डल नहीं होना चाहिए क्योंकि लीगल हर्डल रहेगा तो आप उस अकाउंट से ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे, राइट, ठीक है। अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, ठीक है ना, फिर अगर बैंक ने आपको पैसे नहीं दिए देन दैट बिकम्स रॉन्गफुल डिसऑर्डर, फिर बैंक इज लायबल फॉर द dishonoring of that particular document. Now, when can banker refuse payment? लेकिन banker payment को refuse कर भी सकता है. In these circumstances, आपको कुछ circumstances तो already मालूम है, जैसे कि validity date खत्म होने के बाद अगर हम चेक को प्रेजेंट करते हैं तो वैलिड नहीं है, इसीलिए कर सकते हैं. When the check is post dated, ठीक है, पोस्ट डेटेड का मतलब समझ में आया ना, फ्यूचर डेटेड है, ठीक है ना. उसका जो पेमेंट है वो सितंबर में किया जा सकता है, लेकिन आप प्रेजेंट आज कर रहे हो तो क्या मैं कर सकती हूँ उसको? नहीं. पोस्ट डेटेड है वो तो आपको एज ए सिक्योरिटी दिया गया है जो वैलिड है, लेकिन अपना डेट आने पर, है ना. तो पोस्ट डेटेड चेक है तो वो भी वो रिफ्यूज कर सकती है पे करने से. प्री डेटेड है, कर सकती है. मान लो कि आप जा रहे हो 1 सितंबर को पेमेंट लेने के लिए और आपको चेक दिया गया 31 तारीख को, या आपको चेक दिया गया 1 अगस्त को, पेमेंट कर देगी वो क्योंकि वो अपने वैलिडिटी पीरियड में है, है ना. लेकिन अगर डेट है सितंबर का उस पर लिखा हुआ और आप जा रहे हो अगस्त में पेमेंट लेने के लिए, तो पेमेंट नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये माना जाता है कि जिस दिन का डेट डाला गया उस दिन ड्रॉ किया गया उस इंस्ट्रूमेंट को. पढ़ा तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में और प्रिजम्पशंस में, ठीक. इफ द चेक इज, पहला क्या, व्हेन द बैलेंस इन द कस्टमर्स अकाउंट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है. अगर बैलेंस नहीं है तो पे नहीं करेगी. पोस्ट डेटेड चेक है तो पे नहीं करेगी. 3 महीने से ज्यादा पुराना चेक हो गया है तो इनवैलिड हो गया है तो भी पे नहीं करेगी. इफ द चेक इज नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड, इफ इट इज प्रेजेंटेड बिफोर और आफ्टर ऑफिस आवर्स, यानी कि रीजनेबल टाइम पे ऑफिस ड्यूरेशन के दौरान उसको नहीं प्रेजेंट किया गया, रात में, शाम में 6 बजे, 4 बजे या 5 बजे जाके आप प्रेजेंट करते हैं, या सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock इफ यू प्रेजेंट द चेक, बैंक इज नॉट वर्किंग ड्यूरिंग दोज आवर्स, तो इसलिए उस समय आपको पेमेंट नहीं मिलेगा. वो डिसऑनर कर सकती है. डिसऑनर मतलब वो नॉन पेमेंट कर सकती है. वी शुड नॉट यूज द टर्म डिसऑनर हियर, ठीक है ना. वो नॉन पेमेंट करने का उसका अधिकार है, राइट है उस समय का. If the bank wants to exercise his right of lien or set off, and such lien or set off will not leave sufficient balance, ठीक है. अब हम इस पर आते हैं. सपोज करो आपका कोई इंस्टॉलमेंट जाना था, है ना, हमने सामान खरीदा है और अपना इंस्टॉलमेंट बना लिया और हर महीने हमारे अकाउंट से वो इंस्टॉलमेंट कटता है, तो कुछ दिनों से आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, बैंक इंस्टॉलमेंट काटे कहाँ से, है ना. तो जैसे ही आपने डिपॉजिट करा, मान लीजिए मैंने कोई चेक 50,000 का या 25,000 का हर्षित को इशू किया, चलो बहुत तोशी शिवांगी को बहुत दे दिया, अब हर्षित को देते हैं, ठीक है ना. तो मान लो कि मैंने कोई चेक हर्षित को इशू किया और फिर मैंने अपने अकाउंट में बैलेंस डाले ताकि हर्षित का वो जो पेमेंट है वो क्लियर हो जाए, लेकिन उस बीच में जो मेरा पुराना पेंडिंग इंस्टॉलमेंट था वो कट गया, राइट. तो क्या हो गया, सेट ऑफ कर लिया बैंक ने. बैंक को जो बैलेंस मेरे से लेना था, ही टेक दैट बैलेंस फ्रॉम माय अकाउंट, और अब फिर से जो बैलेंस लेवल था वो कम हो गया, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा ना, है ना. तो लियन का अगर राइट एक्सरसाइज करती है बैंक, या फिर सेट ऑफ करती है अपने पुराने किसी ड्यू बैलेंस को, अमाउंट को, तो फिर वो बैंक क्या हो जाएगा, वैसे में अगर अमाउंट फिर से इनसफिशिएंट हो गया तो भी वो क्या कर सकती है, नॉन पेमेंट कर सकती है, ठीक है ना. आप बोलोगे कि हमने तो पैसा था, हमने तो डाला था, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया, तो बोलेगे कि आपका ये इंस्टॉलमेंट लगा है, ठीक है ना, आपने जो फलाना कुछ लगवाया था वो सेट ऑफ हुआ है, वो कर सकती है बैंक. व्हेन द चेक इज ऑफ डाउटफुल लीगैलिटी, अगर बैंकर को किसी भी तरीके का शक होगा चेक को देख करके कि इस पर, इसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, इसको म्यूटिलेटेड किया गया है, या इस पर कोई मेजर ऑल्ट्रेशन किया गया है, या सिर्फ या फिर साइन मिसमैच हो रहा है, ऐसा कुछ भी डाउट अगर आएगा चेक पर तो वो मना कर देगी, नहीं पे करेगी. अगर वो एपरेंट है, क्योंकि हमने आपको एक दिन पहले बताया था कि इफ द alterations are not apparent, then you cannot hold bank responsible for non-payment. But if it is apparent, कोई आसानी से उस गलतियों को पकड़ सकता है, उस रीराइटिंग को या उस चेंजेस को आसानी से अगर आप पकड़ सकते हैं तो फिर वो डाउटफुल नेचर का हो जाएगा और फिर बैंक उसको पेमेंट नहीं करेगी. क्लियर? यस मैम. ठीक है. When the check is mutilated or ambiguous, भाई अस्पष्ट है या फिर mutilated है, फटा चिटा किनारों से, या फिर कुछ पानी गिर गया या कुछ भी वो खराब हो गया, ठीक है ना, वो नहीं यूज हो सकता. mutilated check not acceptable, ठीक है. तो ये हो गया कि कब वो पेमेंट करेगी, अगर नहीं करती है तो रॉन्गफुल डिसऑनर हो जाएगा, और कब वो नहीं पेमेंट करने के लिए उसके पास प्रॉपर रीजंस है और इसलिए वो नहीं पेमेंट कर रहा है, तो फिर वो डिसऑनर होगा, ठीक है ना, फिर वो नॉन पेमेंट नहीं होगा। When must banker refuse payment? अच्छा, यहाँ तो था कि ये कब कब कर सकती है, ठीक है ना, इस सारे केसेस में। When banker may refuse payment, all these conditions where banker may refuse payment, ठीक है ना, तब भी बैंक की गलती नहीं है, वो रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन कब बैंकर को जरूर रिफ्यूज करना चाहिए, ठीक है ना, must refuse payment of that particular check when customer has countermanded payment. When customer has countermanded payment यानी मतलब stop payment, बिल्कुल सही, अगर बिल्कुल सही, अगर चेक को स्टॉप पेमेंट करा दिया गया है, अगर चेक को इशू तो किया गया था लेकिन मान लो गिर गया या किसी गलत आदमी के पास गया एंड कस्टमर ने फोन करके, फोन बैंकिंग को यूज करके किसी भी तरीके से उसको स्टॉप कर दिया है, तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट, याद रखना ये सारे टर्म। If the banker has received notice of customer's death, अगर पेमेंट से पहले बैंक के पास से नोटिस पहुंच जाता है कि customer is no more, then also उसके prior चेक किए गए साइन को बैंक फर्दर नहीं एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है ना। फिर जो नॉमिनी है दे विल कम इन पिक्चर, वो लोग अगर चाहे तो आप उसको इशू करके पेमेंट दिला सकती है, ठीक है। If the customer has been declared insolvent, जो customer है वो दिवालिया हो गया है, must refuse the payment, ठीक है। If the bank has received the notice of customer's insanity, यानी customer unsound mind का हो गया, पागल हो गया है, ठीक है ना, अभी वो अपने समझ में नहीं है तो किसी को भी कुछ भी लिख देगा, किसी को भी कोई भी अमाउंट दे देगा, बैलेंस दे देगा, पूरा घर लुटा देगा, सो बैंकर कैन स्टॉप द पेमेंट, ठीक है ना, must pay, इस समय बिल्कुल रिफ्यूज कर देना चाहिए। Where title of the holder is defective, यानी जो holder है, जो bearer है, उसका title अगर defective है, यानी कि वो किसी consideration के बदले उसको चेक नहीं मिला है, उसको वो चेक किसी चोरी करके ले आया है, ठीक है ना, कहीं से गिरा हुआ मिला, ठीक है ना, अगर इस तरीके का है और ये डिफेक्टिव है, वो पता चल जाता है, ठीक है ना, बेनिवॉलेंट नहीं है, बेनिफिशियरी वो नहीं है, जेन्युइन बेनिफिशियरी वो नहीं है, तो फिर उसको भी रिफ्यूज करेगा बैंक। Where customer has given the notice to close his account, अगर कस्टमर के पास आपका, आप चेक लेकर के पहुंचे उससे पहले बैंक के पास अगर कस्टमर का ये नोटिस पहुंच जाता है बैंक को कि हमारे अकाउंट को क्लोज करना है, मुझे क्लोज करना है, और वो बैंक अकाउंट क्लोज कर देता है, तो फिर आप उस अकाउंट से पैसे आपको बैंक नहीं देगी। When bank has received garnishee order, यही गार्निशी ऑर्डर मैं अभी बता रही थी कि ये गार्निशी ऑर्डर कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है बैंक्स को, किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम में, मान लो एक लैंडलॉर्ड ने स्यू किया है किसी रेंटर को और बोला कि ये मेरा 4 महीने का या साल भर का पेमेंट नहीं दे रहे, तो अगर उसका अकाउंट जिस भी किसी बैंक में है रेंटर का, उसके अकाउंट पर कोर्ट क्या कर सकती है, गार्निशी ऑर्डर बैंक को भेज सकती है और बोलती है इसको होल्ड करके रखना, जब भी ये विड्रॉ कर दे कोई अमाउंट आए मत देना, क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों के पैसे को स्टॉप कर रखा है, पहले वो ट्रांजेक्शन क्लियर कराएंगे फिर हम ये हटा लेंगे, ठीक है ना। तो अगर बैंक को गार्निशी ऑर्डर मिला है किसी कोर्ट से, तो फिर वो उस अकाउंट से पेमेंट नहीं करेगी, ठीक है। यस मैम, ठीक। When can the banker disclose customer's account or his financial position? बैंक की एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा या जो भी कस्टमर का अकाउंट है, वो कस्टमर और बैंक के बीच में बहुत कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है ना। बैंक आपके खाते में कितना पैसा है, नहीं है, आप कहाँ कहाँ भेजते हैं, हर किसी को नहीं बता सकता है बैंक, ठीक है ना। मेरे पिताजी के अकाउंट में कितना पैसा है आई कैन नॉट कम टू नो, क्योंकि मैं बैंक से पूछूंगी तो बैंक मुझे नहीं बताएगा, ठीक है ना, नहीं बताना चाहिए, दीज आर कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। लेकिन कब कब कौन सी परिस्थितियों में बैंक को डिस्क्लोज करना पड़ता है कस्टमर्स के अकाउंट का डिटेल, और वैसे परिस्थिति में बैंक को वो डिस्क्लोज, वो जो अकाउंट डिटेल होता है वो शेयर करना होता है, ठीक है ना, उसके लिए वो जरूरी हो जाता है। तो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ठीक है ना, जब लॉ, कोई भी लॉ के अंदर किसी भी तरीके का पूछताछ होगा, ये इनकम टैक्स एक्ट हो सकता है, कंपनीज एक्ट हो सकता है, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के हिसाब से, या आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस है कि अगर इन सब चीजों के अंदर, ठीक है ना, अगर कुछ किसी भी तरीके का पूछताछ होता है, देन यू कैन डिस्क्लोज द कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। तो अंडर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 इसमें कस्टमर अगर कोर्ट ऑर्डर देती है, ठीक है ना, कोई आदमी आता है आपके पास कोर्ट ऑर्डर के साथ कि हमको इस फलाने आदमी का पूरा डिटेल चाहिए, तो अगर वो बैंक को कोर्ट ऑर्डर मिला होता है देन बैंक कैन डिस्क्लोज अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना। वो लॉफुल है, वो लीगल नहीं है, उस समय वो चीज इलीगल नहीं है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट अगर इनकम टैक्स ऑफिसर आते पूछताछ करने के लिए किसी भी कस्टमर के अकाउंट के बारे में, तो आप सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, यू हैव टू कॉपरेट विद दोज ऑफिसर्स। अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होगा, इसमें 235 एंड 237 सेक्शन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, कोई ऐसा इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी कंपनी के डिटेल्स को, ठीक है ना, उसको अपॉइंट करती है। बट दीज इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो जो ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो अगर जाएगी और कंपनी का डिटेल मांगेगी, सब कुछ आपसे पूछेगी, देन यू हैव टू शेयर दैट कंपनीज डिटेल, ठीक है ना। इस समय बैंक इज अंडर ऑब्लिगेशन टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, राइट। और अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी कभी क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी है जिसमें सेक्शन 458 में दिया गया कि अगर एवरी बैंकिंग कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू सेंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट लोन्स ग्रांटेड बाय इट, हर एक बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है कि उसने किस किस को लोन दिया है, कितना अमाउंट लोन दिया, ये एक इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास होना चाहिए। रीजन बिहाइंड इज कि अगर कोई डिफॉल्टर है, नहीं पेमेंट कर रहा है, नॉन पेमेंट कर रहा है, तो उसको वैसे कस्टमर को बाकी, देखो सपोज करो मैंने आरबीआई से लोन लिया, पैसे नहीं दे रही हूँ, फिर पीएनबी से लोन ले लिया, उसको भी पैसे नहीं दे रही हूँ, फिर एक्सिस बैंक से लोन ले लिया, तो ऐसे तो हम बहुत सारे बैंक को पैसे ले लेंगे और नहीं पे बैक करेंगे तो नुकसान पहुंचेगा। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास है और अगर किसी एक बैंक का पैसा बार बार नहीं मिल रहा है और एक बैंक ब्लैक लिस्टेड करता है, तो अदर बैंक्स विल कम टू नो कि ऐसे कस्टमर्स को हमको लोन नहीं देना है जो जानबूझकर पे बैक नहीं कर रहा है लोन का, ठीक है ना। इससे क्या होती है, क्रेडिट वर्दीनेस जो कस्टमर्स का होता है वो आइडेंटिफाई होता है, इसलिए भी ये लोन अमाउंट का जो भी ट्रांजेक्शन है वैसे इंफॉर्मेशन आरबीआई के साथ शेयर किया जाता है और हर एक बैंक को ये करना होता है। एंड द लास्ट पॉइंट अंडर सेक्शन लॉ वाले में कि कब लॉ के हिसाब से हमको डिटेल्स शेयर करना चाहिए बैंक को। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 every company is required to furnish information about those inoperative accounts। Inoperative accounts मैंने अभी बताया ना कि आपने खोल लिया और आप साल दो साल तक सो गए, कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं किया, those accounts become dormant account, inactive account या फिर आप inoperative accounts जो भी बोलिए। तो जो इनऑपरेटिव अकाउंट है जिसको नहीं यूज किया गया पिछले 10 सालों में या उससे अधिक सालों में, वैसे सारे अकाउंट्स का रिपोर्ट करना होता है, ठीक है ना, देना होता है। ये ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि नॉर्मली बैंक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके हेल्प से मनी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। जितनी भी अब ये ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं ये सारी चीजें, और जो ये KYC वगैरह होता है ना, नो योर कस्टमर वगैरह पूरा करना होता है, ये सब भी इसी चीज को ध्यान में रख के होता है, क्योंकि जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां, ठीक है ना, जितनी भी इस तरह के काम होते हैं जिसके लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है ना, तुम देखते हो कि कहीं से अंडरवर्ल्ड का कोई आदमी है जो कहीं और है, दुबई में है कहीं और वहां से यहाँ चला रहा है अपना पूरा का पूरा एक रैकेट। तो इन सब चीजों को फिनेंस की जरूरत होता है। अगर बैंक विजिलेंट रहेगा, अगर बैंक अवेयर रहेगा और ऐसे चीजों पर नजर रखेगा तो बहुत हद तक वो फिनेंसिंग स्टॉप हो सकता है, और बिना पैसे के तो ये सब काम कोई करेगा नहीं और होगा नहीं, है ना। इसीलिए बैंक का इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसीलिए ये सब चीज ध्यान देने की बात होती है। और बैंकर्स बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर होते हैं कहीं ना कहीं सबके लिए, ठीक है ना, अपने लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी हाई होती है उतनी ही हर एक इस सब चीजों को अगर देखोगे तो दे आर होल्डिंग ए वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेस, राइट। नाउ अंडर बैंकिंग कस्टम एंड यूसेज, बैंकिंग कस्टम एंड यूसेज के हिसाब से कब डिस्क्लोज करना होता है। by express or implied consent of the customer. When customer gives the consent to disclose their detail, then banks would share their details. ठीक है ना, customer के consent से, express हो या implied हो, written हो, orally आपको phone पे कहा गया हो या फिर वो implied consent हो, उनके conduct से ऐसा लग रहा हो कि they wanted to be shared, तो फिर आप share करिए. To protect his own interest, बैंक को अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, कभी कभी बैंक को भी अपना इंटरेस्ट देखना होता है, ठीक है ना, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि उसके उस पर कोई कार्रवाई चल रही है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कस्टमर के अकाउंट्स को शेयर कर सकता है. टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना, अगर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में शेयर करना आपको, ठीक है ना, जो कॉमन लोगों का है, कंबाइंड लोगों का वो है, क्या कहते हैं, अकाउंट है, ठीक है ना, जिसमें पब्लिक के पैसे जाते, जैसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, म्यूनसिपैलिटी अकाउंट और बहुत सारे टैक्सेस जो हम पैसा जमा करते हैं, हमसे कलेक्ट किया जाता है, अगर वैसे, या किसी ट्रस्ट का अकाउंट है, ठीक है ना, और उसमें कोई गबन कर लिया, ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उस अकाउंट का डिटेल शेयर करना चाहिए. एंड देन रेफरेंस बाय अदर बैंक्स, अगर कोई दूसरा बैंक आपको रेफरेंस मांग रहा है किसी कस्टमर का, जस्ट मैंने जो अभी आपको रीजन बताया, लोन वगैरह सैंक्शन करने के लिए या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए, तो फिर आप वैसे में भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, कब, अगर आपको ये सारे कंडीशंस नहीं है, बाय द लॉ कंपलसरी नहीं है, कस्टमर ने कोई कंसेंट नहीं दिया है, पब्लिक या ओन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इन सब के अलावा अगर किसी थर्ड रीजन से आप डिस्क्लोज कर रहे हैं किसी अकाउंट को, किसी कस्टमर के अकाउंट को, तो वो क्या कहलाएगा, रॉन्गफुल डिस्क्लोजर, क्योंकि नॉर्मली इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल. इतना कुछ बताने के बाद भी मैं ये बोल रही हूँ कि इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है ना, आप किसी को नहीं बता सकते, उसमें 4,000 रुपए है, 400 रुपए है या 4 करोड़ रुपए है, यू नॉट नीड टू शेयर विद एनीबॉडी, है ना. तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्गफुल डिस्क्लोजर, अगर आप रॉन्गफुल डिस्क्लोजर करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस बैंक को झेलना पड़ सकता है. लायबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, ठीक है ना, अगर वो ऐसा करता है तो he'll have to compensate his customer. अगर कस्टमर का कुछ नुकसान होता है तो वो कंपनसेशन मांग सकता है, ठीक है ना. किसी ने पता कर लिया कितना है अकाउंट में और उसके बाद वो क्या करता है कि गलत तरीके से कोई चेक इशू करा करके निकाल लेता है, ठीक है ना. फ्रॉड करने वाले, जैसे हैकर्स का दिमाग चलता है, वैसे बैंकिंग फ्रॉड में भी बहुत बड़े बड़े केसेस हो चुके हैं, ठीक है ना. तो वो अगर वैसा कुछ नुकसान होता है, देन बैंक हैव टू कंपनसेट, राइट. liability towards third parties, although a banker is not liable to the third party, ठीक है ना, किसी तीसरे पार्टी के लिए बैंक liable नहीं है, लेकिन if the banker intentionally or fraudulently gives wrong information, he'll be liable to third parties. मतलब कि third party का मतलब है वो account holder नहीं है, वो banker नहीं है. These are the first parties, ठीक है, and these are the important parties. इसके अलावा मान लो कि मुझे, जैसे कि अभी मैंने गार्निशी ऑर्डर की बात की ना, और गार्निशी ऑर्डर में आपको, आपके ऊपर वो लग गया है कि अभी आप इसमें से मत दीजिए, वैसा कुछ ऑर्डर है या वैसा कुछ स्टॉप पेमेंट कराया गया है या सील कराया गया उस अकाउंट को, तो भी आप क्या करते हैं, इंटेंशनली या फिर फ्रॉड के पर्पज से गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं किसी को, किसी के अकाउंट का, तो आप थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल हो. सपोज करो मुझे कुछ पैसे लेने हैं किसी से भी और वो हमको नहीं दे रहा है, XYZ से लेना, वो हमको पैसा नहीं दे रहा, मैंने पता किया, ठीक है ना. अगर मुझे रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन मिला, उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, अभी मेरा चेक क्लियर हो सकता है, लेकिन उसने मुझे जानबूझ करके गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो वो मेरे लिए भी लायबल हो जाएगा, even if I am not the customer, I am the third party. Obligation to maintain true account, a banker is under an obligation to maintain true accounts, मतलब if the bank gives a wrong credit to a customer and the customer withdraws the money, मतलब क्या कि अगर वो सोनी ने क्या किया, तोशी के नाम से अकाउंट चेक दिया है और वो तोशी के अकाउंट में जाना चाहिए, ये हो जाता है, मैनुअली थिंग्स समटाइम्स गो रॉन्ग, ठीक है ना. जैसे कि तोशी के अकाउंट में दिया, मान लो अकाउंट का सारे डिजिट पूरे हैं, सिर्फ एक कोई डिजिट है जो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना. मान लो लास्ट में 0 है, लेकिन मुझे वो 8 दिखा, या 8 है मैंने उसे 0 समझ लिया, ठीक है, 6 है जिसे मैंने 0 समझ लिया, ऐसा कुछ थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ और हमने क्या किया, तोसी की जगह पे किसी और के अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिया, दिस टाइम बैंक इज लायबल, ठीक है ना, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन सही दिए गए थे तभी आपने किसी गलत कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जब तक उस गलत कस्टमर ने नहीं विड्रॉ किया है तब तक तो फिर भी आपके हाथ में एक बचता है कि आप वापस से उसको विड्रॉ मतलब रिट्रांसफर कर ले, ठीक है, उसको बैक कर ले, है ना। लेकिन अगर वो ट्रांसफर आपने किया और उसने विड्रॉ कर लिया तब क्या हो गया, तब बैंक से रिकवर करेगी कस्टमर अपना पैसा, ठीक है ना। मैंने तोशी के नाम से दिया, तोशी के बदले वो किसी और के अकाउंट में चला गया, किसी और ने जब तक विड्रॉ नहीं किया तब तक हम उसको वापस ले सकते, तब तक बैंक वापस ले सकता है, लेकिन एक बार उसने विड्रॉ कर लिया तब बैंक वापस नहीं ले पाएगा। कई बार किसी भी कस्टमर के अकाउंट में अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया तो आप उनकी अनुमति से ही उसको वापस भी ले सकते हैं, अगर वो कंसेंट दे देते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो वो भी आपको स्यू कर सकता है कि मेरा पैसा इसने बिना हमसे कंसेंट लिए हुए वापस निकाल लिया, जबकि वो उसका पैसा नहीं था। नॉर्मली हमारे पास प्रूफ होता है कि हमसे गलती से ट्रांजेक्शन हो गया तो ये बहुत हद तक वो इस बेसिस पे लड़ नहीं सकता है, राइट, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है ना, ये गलत ट्रांजेक्शन हो गया था, इन्होंने इस डेट को कोई चेक इशू नहीं किया था, ठीक है ना, इनके नाम से कोई चेक इशू नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी अगर विड्रॉ हो जाता है तब तो आप उससे, उसको पता है कि गलती से उसके अकाउंट में आता तो भी वो ना चाहे तो आपको नहीं देगा, ठीक है ना। और फिर वैसे में दोषी को तो पैसे चाहिए क्योंकि वो उसका पैसा था, ठीक है, तो वो बैंक से रिकवर करेगी, बैंक हैज टू पे। नाउ ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कस्टमर। कई बार हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बैंक को, कैसा इंस्ट्रक्शंस, किसके किसके सिग्नेचर से पैसा विड्रॉ हो सकता है ना, कौन 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 नॉमिनी है, किसके इस तरीके के, कब कब हम पैसे, कितने अमाउंट तक का चेक को आप विड्रॉ कराइए या फिर पेमेंट करिए और किसके बाद नहीं करिए, स्टॉप कर दीजिए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस कई बार हम जब अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक को देते हैं, और जो भी कस्टमर इंस्ट्रक्शन देता है बैंक की ये ड्यूटी होती है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। Yes, मैम। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या, थोड़ा बचा है इसमें, ऑनेस्टली बोलो ज्यादा हो रहा है या समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है मैम। ठीक है, ओके। तो राइट्स ऑफ द बैंक, अभी हम लोगों ने ड्यूटीज ऑफ द बैंक, लायबिलिटीज ऑफ द बैंक पढ़ा है ना, अब बैंक के राइट्स पढ़ते हैं, बैंक का क्या क्या अधिकार है। अ बैंकर हैज द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ राइट। सबसे पहले तो राइट ऑफ जनरल लियन या सेट ऑफ की जो हमने बात की थी। जनरल लियन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक लियन एंड जनरल लियन बता चुकी हूँ मैं तुम लोगों को। किसी को कुछ याद है? लियन जो वापस सामान, लियन मींस जबरदस्ती किसी का कुछ प्रोडक्ट रख लेना, या जनरल में कुछ भी रख सकते हैं और स्पेसिफिक में जिस एक चीज के बारे में बात हुई थी उस चीज को ही जब्त कर सकते हैं। पर अभी है एक्टिव, जवाब मिल रहा है मुझे, मैं जानती हूँ सर, जानती हूँ, ठीक है, ठीक है। तोशी फिर से मैं बताती हूँ, अभी तुमने सही कहा, जनरल लियन एंड स्पेसिफिक लियन। स्पेसिफिक लियन ये वॉच दिया मैंने, ठीक है ना, और इसके अगेंस्ट आपसे पैसे लिए, ठीक है, तो आप सिर्फ इस वॉच को, सॉरी स्पेसिफिक लियन, वही बोल रही हूँ ना मैं, सिर्फ इसको होल्ड कर सकते हो, बाकी के मेरे किसी चीज को होल्ड नहीं कर सकते हो। बट जनरल लियन इससे ज्यादा वाइडर स्कोप है उसका, ठीक है ना, आपने ये वॉच दिया और मेरे से पैसे लिए, लेकिन अगर आपका कोई तीसरा चौथा चीज भी है मेरे पास तो आई कैन एक्सरसाइज दैट राइट ऑफ लियन, आई कैन होल्ड ऑल दीज थिंग्स। मेरा जब तक लोन वापस नहीं करोगे तब तक मैं आपको ये सब नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो बैंक के पास ये राइट है जनरल लियन के राइट को एक्सरसाइज करने का, अगेंस्ट हिज कस्टमर्स ऑन द डिपॉजिट्स एंड प्रॉपर्टी। जो भी डिपॉजिट्स हैं उसके अकाउंट में, जो भी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उसके ऊपर वो जनरल लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है ना। देखिए अगर आपने उनके लॉकर में कुछ रखा है तो वो उसको लियन में नहीं ले सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने गोल्ड लोन लिया है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है, तो वो प्रॉपर्टी, वो असेट्स, वो गोल्ड, उसको वो जनरल लियन कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? यस मैम। फीचर्स ऑफ बैंकर्स लियन, ठीक है ना, बैंकर्स के लियन का क्या फीचर होता है, वही जो मैंने अभी बताया वही है। ये पोजिशन ऑफ कस्टमर्स प्रॉपर्टी इन द कैपेसिटी ऑफ बैंकर, यानी कि अ बैंक हैज अ राइट ऑफ जनरल लियन इफ प्रॉपर्टी इज इन द पोजिशन ऑफ द बैंक. इफ द प्रॉपर्टी वाज केप्ट फॉर सेफ्टी द बैंक कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन. यानी अगर आपने सेफ्टी के लिए उनके लॉकर में कुछ रखा है तो उस चीजों पर बैंक लियन का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकती है. लेकिन अगर आपने उनको दिया है और उसके अगेंस्ट आपने कुछ लिया हुआ है, ठीक है ना, उनके पोजीशन में है, आपके अकाउंट में है, वैसे चीजों पर वो लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकती है. क्लियर? यस मैम. ठीक है. Banker's lien is tantamount to pledge, यानी a banker's lien is treated as a pledge. बैंक के साथ lien करना as equivalent to आपने क्या किया, गिरवी रखा है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो equivalent to pledge होता है. As such he has a right to sell those properties. तो lien और pledge में हमने आपको differences बताया था, है ना. lien में hold कर सकते हैं लेकिन sell नहीं कर सकते, लेकिन प्लेज में नॉन पेमेंट के केस में सेल भी कर सकते हैं. तो बैंकर्स के केस में अगर आपने लियन किया है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लेज. अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया आपको नोटिस भेजा जाएगा. अगर आप नोटिस भेजने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपके प्रॉपर्टी को वो सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगी, है ना. ठीक है. नो नीड फॉर अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट लियन, यानी कि आपको बैंक में आपने जो भी पैसे रखे उसके लिए कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. राइट ऑफ लियन वो ऐसे भी एक्सरसाइज करते इवन इफ यू हैव नॉट गिवन देम फॉर लियन और आपने उनका पैसा रखा हुआ है, ठीक है. तो ये अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. आपका जो भी उनके पोजीशन में है, सिक्योरिटी पर्पसेस से नहीं, पोजीशन में है, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट भी आपने लिया है या फिर आपके अकाउंट में है, वहां से वो अपना बैलेंस ले सकती है, ठीक है ना. नॉर्मली बैंक क्या करती है ना, ये जरूरी तो नहीं है, बैंक ऐसे भी ले सकती है, लेकिन नॉर्मली बैंक अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए, कोई अपना छवि गंदा ना हो, उसके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे, इसके लिए वो नॉर्मली ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है, ठीक है ना, जब वो आपको कुछ लोन वगैरह देती है तब, राइट. लियन कैन बी एक्सरसाइज इवन ऑन सिक्योरिटीज लेफ्ट, ठीक है. सिक्योरिटीज मतलब क्या, a banker can retain such properties to recover and other loan due from his customer. यहाँ पे securities left with the banker का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपने security के तौर पर दिया है, ठीक है ना, security के तौर पे, हाँ, collateral जो भी आपने दिया है उसको वो रख सकती है, right. Right to set off. Banker has a right to set off debit balance against credit balance in accounts of his customers' account. To be set off must be in the right and name of his customer. यानी right of set off मतलब जो भी डेबिट बैलेंस है अकाउंट में उससे बैंक अपना पैसा सेट ऑफ कर सकती है, वापस ले सकती है. जो हमने अभी देखा था ना कि इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैसे सेट ऑफ कर सकती है वो, ठीक है, लेकिन वो उसी अकाउंट से होगा जिस अकाउंट से आपको वो बैलेंस लेना है, ठीक है ना, जिस अकाउंट पे वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कटता है. ओनली दोज अकाउंट कैन बी यूज फॉर सेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना. अगर मेरा 2-3 अकाउंट भी तो होता है ना लोगों का एक बैंक में, तो बाकी किसी अकाउंट से, जिस अकाउंट में है उसी अकाउंट से वो सेट ऑफ कर सकती है. राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है नॉर्मली, तुम लोग का फिनेंशियल टर्म है या एप्रोप्रिएशन, कुछ याद आ रहा है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, नॉर्मली एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का अनुचित उपयोग करना, या फिर उसको कैसे आप कहते हैं ना कि अमाउंट हमने एप्रोप्रिएट कर लिया, बैलेंस करना, ठीक है ना. अगर कस्टमर हैज मोर देन वन अकाउंट, अगर कस्टमर के पास एक से अधिक अकाउंट है और हैज टेकन मोर देन वन लोन और उसने ज्यादा लोन लिया है, तो किस अकाउंट से पहले हम सेट ऑफ करेंगे, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट करेंगे, किस बैलेंस करेंगे, कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे. तो क्वेश्चन में अराइज एज टू विच अकाउंट और द लोन द मनी डिपॉजिटेड हाँ, तो जो सबसे पहले जिसमें पैसे डिपॉजिट होंगे उससे आप एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, जिसको क्लाइटन्स रूल बोलते हैं। क्लाइटन्स रूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इसको बनाया गया है क्लाइटन्स रूल की फ्रॉम विच अकाउंट इफ वी हैव इन 3-4 अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स, तो विच अकाउंट शुड बी एप्रोप्रिएटेड फर्स्ट इन ऑर्डर टू सेट ऑफ माय लोन और व्हाटएवर मनी। ठीक है ना, ये क्लाइटन्स रूल और टर्मिनेशंस ऑफ बैंकर्स एंड कस्टमर रिलेशंस इतना बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म करके इंडस्ट्रियल लॉ को शुरू करेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. अभिनेत्री, ठीक है, सकता है, आप अपना रिटेन करके रखिए, क्योंकि अभी आपका क्या करेंगे उसका, ठीक है ना, आने दो, फिर वो आएगा तो देखेंगे। राइट, थोड़ा थोड़ा जानकारी जो भी आपके पास है उसको रिटेन करके वहां पे लिखने की कोशिश करिएगा। Okay. ठीक है, थैंक यू।